सबका है दूर जवानी, अब भी कुछ खट्टी सी कुछ मीठी सी है अलग कहानी सबकी। हम सबके दुख सबकी खुशियाँ मिलकर एक रंग बनाती है, उस रंग में रंग के हम सब एक रंग हो जाते हैं। हिम्मत ऐसी कि आसमां छू जाते हैं। आज हमारा कल अपना, कोई माने या न माने, अपनी हस्ती है मस्ती के। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस के रिहर्सल्स चल रहे थे। वी वर ऑल फेड अप विद द ड्रिल प्रैक्टिस। दिस परेड इज बिकम अ बिग जोक यार। फिफ्थ ग्रेड से यही करते आए यार। हुसैन सर ड्रिल के इंचार्ज थे, बेचारे वो भी थक गए थे, बूढ़े हैं ना वो, थोड़े से थकान। ही फेल्ट लिटिल बैड, बेचारे बूढ़े लोग हैं। घर पर अपने ग्रैंडपा को देख के लगा कि वो काफी अकेले हैं। भले तुम्हारे लिए बोरिंग लगे लेकिन मेरे तो लाइफ साइकिल है ना। आई डिसाइडेड एक पिक्चर देख के आते, सिर्फ आप और मैं। अगले दिन स्कूल में सडनली इट स्ट्रक मी, क्यों ना हम इस रिपब्लिक डे के दिन किसी ओल्ड एज होम में कुछ करें। स्कूल करेगी परे, द 12th वोंट बी देयर। ऑल फील वेरी स्ट्रांगली अबाउट दिस। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। हमारे जूनियर्स कुछ ना खुश थे। आई हैड अ टॉक विद देम। सही काम करने के लिए किसी की सहमति की जरूरत नहीं पड़ती, यू नीड टू जस्ट डू इट। एंड फाइनली ऑन रिपब्लिक डे वी वर देयर। इट वाज द बेस्ट रिपब्लिक डे वी एवर हैड। अरे बेला हाउ समांथा, she's okay now. मैं गई थी उसे मिलने कल। इस सुबह मलेरिया पोर थिंग यार। नहीं नहीं यार, फिर बुखार तो उतर गया है। हाँ, लेकिन डॉक्टर ने कहा उसे रेस्ट करने के लिए। ओके, बस सारा दिन म्यूजिक सुनती रहती है और कॉमिक्स बुक पढ़ती रहती है बस। she's crazy, absolutely. You bet, यार। अरे मैंने तो उसका स्केच भी बनाया, पता है? ये सीरियसली डैम कूल, दिखाना यार। पागल है क्या? I never show my sketches to anybody, you know it, yeah. I know you're stupid also, but please दिखाना यार, please man. नहीं यार छोड़ जाने दे, मूड नहीं है। बेला तेरी स्केचबुक एकदम छीन कर उसकी फोटो पूरा पूरे डिनोमली में बांट दूंगी, समझी ना? अच्छा मेरे को जिंदा रहने दो तब ना। यू थिंक आई एम स्केयर्ड? हे गाइस, तुम्हें पता है नोटिस बोर्ड पे क्या लिखा है? सिटी आर्ट गैलरी में पेंटिंग कॉम्पिटिशन है हम स्कूल स्टूडेंट्स के लिए। फर्स्ट प्राइज इज अ स्कॉलरशिप इन आर्ट फ्रॉम पेरिस। कैन यू बिलीव इट? वाओ मैन, आई डोंट। अलीशा, कैन यू पेंट? नहीं यार, आई विश आई कुड। अच्छा तो पेरिस जाने के लिए वो भी सीख लेना। अरे भोंदू, कंपटीशन इसी महीने है और तुम्हारी जो सीखने की स्पीड है ना, उसमें तो कोई भी पैदल पेरिस पहुंच जाएगा। Shut up, पोपट। You पोपट। नहीं नहीं, मेरे पास एक आइडिया है। अब मैं ना चंद्रगुप्त सर की पेंटिंग है ना कंपटीशन में अपने नाम से भेजता हूँ। ये ले। जीतना तो भाई मैं भी पेरिस जाके आऊंगा। ए, मुझे क्या लगता है ये कॉम्पिटिशन कौन जीतेगा? कौन? प्रशीता, क्योंकि वो अपना फेस जो पेंट करती रहती है सारा दिन। हाय गाइस। ए बेला, ए बेला, हैव अ केला। तुम तो आर्टिस्ट हो ना, तुम कुछ ना कुछ कर सकती हो। क्या? सिटी आर्ट गैलरी में पेंटिंग कंपटीशन है और पहला इनाम है एक स्कॉलरशिप फॉर अ डिग्री इन आर्ट इन गेस वेयर पेरिस, और ये एक 2 साल का कोर्स है। साउंड्स गुड यार। हां तो कम ऑन, व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट? क्या बोलती तू, कर ले एंटर? आई डोंट नो यार। पेंटिंग कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेने के लिए पेंटिंग आना भी तो जरूरी है ना, या ऐसे ही पेरिस पहुंच जाएंगे आप लोग? सर आप कभी गए पेरिस? जी सर। मेरा मतलब है सर आप कभी पेरिस गए हैं? क्या सुनना क्या चाहते हैं आप लोग? गए सर। तो गए हैं तो फिर अब गए हैं ना। सर तनिक छोटा मुंह बड़ी बात। सर सुना है कि पेरिस के कुत्ते भी फ्रेंच जानते हैं। आपको फ्रेंच आती है? नहीं। तब तो पेरिस के कुत्ते भी फ्रेंच समझते हैं। सर किस तरह की पेंटिंग मांगी गई है? मॉडर्न। सर मॉडर्न आर्ट तो मैं भी कर सकता हूँ, ये देखिए। अच्छा दिखाइए। सर मेहुल ये आपके नाक के अंदर का कोई सीन लग रहा है मुझे। सर सर क्या मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ? सर मुझे ऐसा नहीं लगता कि हमारे स्कूल का कोई भी एक स्टूडेंट इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकता। नहीं सर ये बात सही नहीं है, बेला बहुत ही टैलेंटेड है और वो इस कंपटीशन में हिस्सा जरूर ले सकती है। सर सर आपने इसके स्केचेस देखे भी है या नहीं? गाइस स्टॉप। ओके हाँ सर आपको देखनी चाहिए, बहुत ही।
अरे सर देखेंगे ना तो देखते रह जाएंगे, और तो और सर उसने आपके भी एक से एक स्केचेस बनाई है। साइरस। हाँ सर देखिए। बेला जरा हमें भी अपना चेहरा देखने दीजिए। नहीं भाई दिखाओ जरा, हम भी तो देखें ना अपना चेहरा प्लीज। बेला समझा करो। कहा ना नॉट बैड, यू हैव अ लॉन्ग वे टू गो, बहुत बहुत आगे जाना है तुमको। आई नो सर। यू डोंट नो एनीथिंग, कुछ नहीं मालूम है तुम्हें, बहुत कुछ जानना है अभी, बहुत कुछ जानना है तुम्हें। सर वो सब तो ठीक है सर, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानना चाहती हूँ कि मैं इस कॉम्पिटिशन में हिस्सा ले सकती हूँ या नहीं। देखो बेला ये आर्ट वर्क है, यहाँ बात सवालों के जवाब ढूंढने की नहीं है, इमेजेस की है, छवि की है। छवि को जहन में देखना ही नहीं उतारना होगा बेला, तुमको समझ रही हो ना। यहां गलत सही का कोई जोड़ तोड़ नहीं है ना, हर छवि सही है, हर आकार सही है साकार करने के लिए। सर प्लीज सर मुझे बताइए ना, मैं इस कंपटीशन में हिस्सा ले सकती हूँ या नहीं। बेला मैंने कहा ना ये पेंटिंग कंपटीशन है, मैंने तुम्हारे बुक्स देखे, ड्राइंग स्केच बुक देखे, यू हैव अ टैलेंट बट बहुत ही रॉ है, तुम कम से कम कैनवास पे दो पेंटिंग बना के तो दिखाओ मुझको। यू हैव 3 days ना, 4 दिन बाद फॉर्म भरने के लास्ट डेट है, तब तक कुछ काम करो, उसके बाद बात करते हैं, है कि नहीं। ओके ओके सर। ओके ओके यस। प्रॉब्लम सॉल्व। यस सर। कंफर्टेबल। यस सर। तो मैं चलूं चाय पीने। यस ओके सर। ग्रेट। सॉरी यार बेला, मैंने जानबूझ के नहीं दिया, सब कह रहे थे तो इसलिए मैंने दे दिया, अब सब कुछ भूल जाओ। ओके हे सॉरी बोला ना यार, प्लीज बेला। तुम क्या कह रही हो? वही स्केचबुक के बारे में। ओ अरे इट्स ओके यार। ध्यान कहाँ है तुम्हारा, क्या सोच रही हो तुम? हे एलिस इन वंडरलैंड वेक अप। अरे मैं उस कंपटीशन के बारे में सोच रही हूँ यार। ओ तुम पार्टिसिपेट करोगी? तुम्हें क्या लगता है अलीशा, चंद्रगुप्त सर को मेरे स्केचेस पसंद आए क्या? पता नहीं, वैसे तो आर्ट सर कुछ कहते नहीं है किसी के बारे में, लेकिन तुम्हारे पेंटिंग्स देखने के बाद वो हंसे जरूर थे। I'm damn nervous यार। अरे इसमें नर्वस एंड टेंशन लेने की क्या बात है? ओके जस्ट रिलैक्स, काम शुरू कर दो, जीतोगी तो पेरिस जाओगी। इमेजिन पेरिस ऑफ ऑल प्लेसेस। अरे पेरिस से ज्यादा मुझे उन पेंटिंग्स की फिक्र हो रही है। पता है पेरिस में मेरे कुछ व्हाइट हॉल के फ्रेंड्स हैं और वो कह रहे हैं अलीशा ना डोंट स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। ओके ओके सॉरी सॉरी। एक बात पूछूं? पूछो। तुमने कहा था ना कि तुम मुझे तुम्हारे स्केचेस दिखाओगी? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा था। नो यू हैड प्रॉमिस। We'll be right back.
दरवाजा खोलो। पापा आप चलिए मैं आ रही हूँ। बेला दरवाजा खोलो। पापा मैं आ रही हूँ, I'm busy। मैंने कहा ना है कि दरवाजा खोलो। बेला क्या ये है? अरे ओ माय गॉड, ये सब क्या है? अरे ये सब क्या हो रहा है? ये क्या किया है तुमने? ओ पेंटिंग हो रही है। ये जब भी पेंटिंग करती है ना पूरे घर को सर पे उठा लेती है। बेला ये सब क्या है? ओके सॉरी सॉरी, मैं पेंटिंग कर रही थी। हाँ वो तो लग ही रहा है हमें। इस कैनवास के अलावा तुमने पूरे वातावरण को पेंट कर दिया है, वेरी नाइस। पापा एक और बात करनी थी आपसे। क्या बात है? सिटी आर्ट गैलरी में आर्ट कंपटीशन है और मुझे उसमें हिस्सा लेना है। ये सब उसी की प्रैक्टिस चल रही थी। देखो बेटा, हमने कभी तुम्हारे हॉबीज के लिए मना किया है नहीं ना, क्योंकि हॉबीज तो हॉबीज होती है, ये तो कभी भी खाली टाइम में की जा सकती है, लेकिन इसके लिए इंपॉर्टेंट चीजों को इग्नोर नहीं किया जा सकता। पापा वहाँ जीतने वालों को स्कॉलरशिप मिलने वाला है, अ फ्री डिप्लोमा इन फाइन आर्ट्स इन पेरिस। लेकिन बेला तुमने तो हमें प्रॉमिस किया था कि 12th के बाद तुम मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लोगी। पर माँ मुझे आर्ट पढ़ना है और पेरिस में पढ़ाई, इट्स लाइक अ ड्रीम। और फिर मेडिकल कॉलेज? मुझे नहीं बनना है डॉक्टर। आप लोग ही हमेशा डॉक्टर डॉक्टर करते रहते थे, इसलिए मैंने हाँ कर दी। मतलब मुझे मेडिकल कॉलेज में कोई इंटरेस्ट नहीं। और आर्ट पेंटिंग ये भी कोई करियर है? उसमें ना कोई सिक्योरिटी है ना पैसा। अरे मेडिकल फील्ड इज सच अ रिस्पेक्टेड प्रोफेशन। बस बहुत हो चुकी तुम्हारी ये बहस। तुम वही करोगी जो तुम्हें कहा जाएगा। तुम्हारा काम है 12th में अच्छे नंबर लाना, पढ़ाई में ध्यान देना, ये फालतू की बातें बाद में होंगी। और हाँ पहले इस रूम के कचरे को साफ करो जो तुमने फैला दिया है। लगता नहीं है कि यहाँ कोई इंसान भी रहते हैं। पापा अब क्या है? वो आपके सिग्नेचर चाहिए थे एंट्री फॉर्म के लिए। सिग्नेचर? वो किस लिए? आर्ट कंपटीशन में एंटर करने के लिए अप्लाई करनी पड़ती है। तुम अभी तक वहीं अटकी हुई हो? देखो अभी कोई सिग्नेचर विग्नेचर नहीं होंगे। मैंने कह दिया कुछ नहीं होगा, पहले इस कमरे को साफ करो। तुम ये क्या कर रही हो? अरे भाई इसको अपना काम करने दो। It's no use, यार। You think I didn't explain it to him? मेरे पापा बहुत गुस्सा हो गए। तो तुमने कुछ कहा नहीं उसके बाद? मैं क्या कहती? उन्होंने मुझे कुछ बोलने ही नहीं दिया उसके बाद। कम से कम अपनी मम्मी से तो कह देती। मैंने कहा था, लेकिन मेरे पेंटिंग से पापा से ज्यादा तकलीफ मेरी मम्मी को है। तो एक काम करते, सिग्नेचर फॉल्स कर देते ना, सिंपल। शुरू हो गया शैतान का दिमाग। नो यार रियली, जरा सोचो, अगर बेला ये कंपटीशन जीत जाती है तो ना ही उसके पेरेंट्स खुश होंगे, और तो नहीं जीते तो क्या करेगा? तो उसको पेरेंट्स को नहीं बताएंगे। सिंपल, वेरी स्टूपिड प्लान। मेरे डैड को तो पता लगना ही है। अच्छा है कि मैं उनसे सब पूछ कर ही करूं। बेला मुझे तो लगता है तुम्हें अपने डैड के साथ डिटेल में बातें कर लेनी चाहिए। और मैं तुम्हें सिर्फ अभी के लिए नहीं कह रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द फ्यूचर ऑल्सो, क्योंकि स्कूल खत्म हो जाने के बाद नोबडी नोज क्या होने वाला है। तो तुमने अपने डैड से बात कर ली? किस बारे में? बेला की पेंडिंग के बारे में। अबे गधे अपने बारे में, तू अपने डैड से किसके बारे में बात करेगा? आई विल यार, वेरी सून। कौन क्या करने वाला है? बेला के पेरेंट्स फॉर्म पे साइन करने से रिफ्यूज कर रहे हैं। ओह नो, ओह यस। शख्स तुमने क्या सोचा है? पता नहीं यार, अभी तो चंद्रगुप्त सर को मेरे पेंटिंग्स पे दिखाना है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर उन्हें मेरे पेंटिंग्स पसंद नहीं आए तो। डोंट बी सिली, बेकार की बातें मत कर। तुम्हें क्या लगता है? मुझे तो लगता है मेरा नर्वस ब्रेकडाउन होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होगा, जस्ट रिलैक्स एंड काम डाउन। पहले चंद्रगुप्त सर से मिल तो लो, देखो वो क्या कहते हैं, हो सकता है वही तुम्हें कोई उपाय बताए, है ना? हाँ हो सकता है, तुम ठीक कह रही हो। या शायद ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें पहचानने से इनकार। सो कैसा लगा? क्या पेंटिंग सर? नॉट बैड। नॉट बैड? हाँ नॉट बैड।
देखो बेला, इसमें तुम्हारी मेहनत तो नजर आती है, तुम्हारा टैलेंट भी दिखता है, लेकिन एक चीज होती है कलाकार की आंखें, समझ रही हो ना? उसमें थोड़ा मेहनत करनी होगी और थोड़ा टेक्निक पर भी काम करना होगा। सर तो फिर अब मैं क्या करूं? अब फाइनल पेंटिंग की तैयारी। रियली सर? हाँ सर, नो जोक्स। नहीं, लेकिन थोड़ा आराम से। जल्दीबाजी नहीं, ओके? बेला अपनी आंखें बंद करो। क्यों सर? अपनी आंखें बंद करो। अब मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है? गहरा, काला और धुंध। गुड। अपनी हथेलियों को अपने आंखों पर ले जाओ और ढक लो। अब मुझे बताओ क्या दिखाई दे रहा है? और गहरा। हाँ। और काला। हाँ। बेला, तुम्हारी खुद की हथेलियों ने तुम्हें दो कलर के शेड्स दे दिए, गहरे और काले के। अब धीरे धीरे अपने हथेलियों को हटाओ और धीरे धीरे। अब बताओ क्या दिखाई दे रहा है? गहरे और काले रंग पे पड़ने वाली रोशनी को पहचानो। सूरज की किरणें, गहरापन, शांत होकर भी खिल रहा है और अचानक लगता है जैसे द सन इज जस्ट गोना कम आउट। बस बस बेला, यही वो रोशनी है जो रंगों को उनके आयाम देती है, ऑब्जेक्ट्स को उनका पहलू बयान करती है। बेला आप अपनी आंखें खोलो। बेला, मन की आंखों से जो दिखता है ना, वो बिल्कुल अलग है। उनसे बैलेंस करना ही क्रिएट करना है। इंस्पिरेशन में भी क्रिएटिविटी है, पर उनको एग्जीक्यूट करना, उनको पोर्ट्रेट करना, उनको बनाना, इसमें क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलता है। बेला, अब सवाल ये है कि अपने आप को इस क्रिएटिव प्रोसेस में डाला कैसे जाए, है ना? आप सिखाएंगे मुझे? मैं कौन होता हूँ सिखाने वाला, आपको खुद ही सीखना पड़ेगा। ओके सर। क्या है, पेंटर हैं कि क्या हैं आप? सर मैं कुछ समझी नहीं। नहीं समझिए मत, हैं तो आप पेंटर ही। सर इसका मतलब आपको पसंद आया? लेट्स होप की जजेस को भी पसंद आए। और सुनिए, आज फ्राइडे है, दो दिन बाद मंडे जमा करने की लास्ट डेट है, ओके? चलिए, आपकी सफलता का कामना करते हुए चलिए कैंटीन चलते हैं, चाय पीते हैं। सर लेकिन मैं तो चाय पीती नहीं हूँ सर। चाय नहीं पीती, तभी तो आपके आंख में इतनी प्रॉब्लम है। वो क्यों सर? क्या नाम है तुम्हारा? बेला। बेला, बेला तुमने कभी पानी को खोलते हुए देखा है? हाँ देखा है। उसमें चाय की पत्ती डालो तो रंग बदलते हुए भी देखा होगा। हाँ
देखा है? उसमें दूध डालो तो ऐसा नहीं लगता जैसे सुनहरी सी रोशनी। हाँ, और फिर वो सुनहरी रोशनी धीरे धीरे फैलते हुए सुबह की लालिमा को दोपहर की धूप बना देती है। बिल्कुल, बहुत समझदार है आप। ये लीजिए, ये चाय। ओ, चीयर्स सर। चीयर्स, चीयर्स। आपने अपने फादर से फॉर्म पे साइन तो करा ही लिया होगा। चलो, हाय, मॉर्निंग, 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 बाय बाय।